प्रश्न संख्या 1, 2, 3। अध्यक्ष महोदय जवाब पटेल पर। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय जो उत्तर सभा पटल पर रखा है उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 365 का प्रावधान का विवरण भी दिया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 अनुच्छेद 226 का भी यहाँ हवाला दिया गया है जी। इसके बावजूद भी मामले बहुत अधिक है जी सभी राज्यों में, उसका मैं दूसरे सप्लीमेंट्री में कहूँगा, पर जहाँ भूमि अधिग्रहण वन भूमि सहित अन्य भू राजस्व आदि मामलों के कारण संभव नहीं हो पाता, क्या मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग के उस विशेष हिस्से का पुनः सर्वेक्षण करने पर विचार करता है ताकि राजमार्ग कार्य अविलंब प्रारंभ हो सके और DPR में संशोधन के बाद जो भूमि पूर्व में अधिग्रहित की जाती है क्या उसे वापिस मालिकों को लौटा दिया जाता है? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जो सम्माननीय सदस्य कह रहे ये समस्या है, अभी हमारे देश में काला ने निर्णय करने के बाद 1,74,327 केसेस पेंडिंग है और स्वाभाविक रूप से उस केसेस में निर्णय होने के बाद हाईकोर्ट में जाती है, फिर कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अगर हम हाईकोर्ट के लेवल पर या उसके काला आर्बिट्रेशन के निर्णय पर मान्य करते हैं तो इंक्वायरी करने वाले उसके अधिकारियों को कि आपने अपील क्यों नहीं किया, उसके इंटेंशन को चैलेंज करते हैं, उस डर के कारण कोई निर्णय नहीं हो पाता और इसके कारण लोगों को भी तकलीफ होती है और काम भी सफल होता है। वैसे जो काला होता है हमारे देश में लैंड एक्विजिशन जो होता है वो राज्य सरकार का और भारत सरकार दोनों का अधिकार है, क्योंकि ये कॉन्करेंट कानून बनाने का अधिकार हमारा है और नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है और हमारा भी 1956 का NH का एक्ट है। पर ये सब बातों को देखते हुए काला ने निर्णय करने के बाद ये जो आर्बिट्रेशन में केसेस जाती है इसकी संख्या कम हो और ट्रांसपेरेंसी से कम समय में इंडिपेंडेंट इम्पार्शल और फेयरली निर्णय हो, इसका हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीच में हमने एक विशेष रूप की योजना की थी, भूमि राशि पोर्टल खोला था, उसमें हमने काफ़ी बड़े प्रमाण पर 11,808 नोटिफिकेशन निकाले और कुछ राहत मिली है, फिर भी अभी समस्या बहुत बड़ी है और इसलिए लॉ मिनिस्ट्री के साथ बैठकर सब लोगों से चर्चा करके हम इसके ऊपर आर्बिट्रेशन में काला के निर्णय के बाद ट्रांसपेरेंसी के साथ इंडिपेंडेंट इम्पार्शल फेयर टाइम बाउंड ऐसी कोई निर्णय प्रक्रिया हो सकती है क्या, जिसके कारण ये कोर्ट की प्रक्रिया लंबी होती है और जिनके जमीन जाती उनको जमीन के पैसे भी नहीं मिलते। दूसरी और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि इस कानून में एक बात ऐसी भी रह गई है कि हम जहाँ जमीन एक बार नोटिफिकेशन निकालते हैं और बाद में हमारी अलाइनमेंट बदल जाती है तो हम उनको जमीन भी वापस नहीं कर सकते और हम पैसा भी नहीं देते, तो ऐसी कानून में उसकी प्रोविजन नहीं है। तमिलनाडु के एक MP है, उनकी समस्या हम उसको सुलझा नहीं पा रहे, तो इसलिए इन सब बातों को विचार करते हुए इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ करप्शन फ्री टाइम बाउंड और सिस्टम को कैसा करें इसको हम सोच रहे हैं। लॉ मिनिस्ट्री भी सोचेंगे, राज्य सरकार का भी ओपिनियन लेंगे और आप लोग भी कुछ सुझाव देंगे तो उसका विचार करेंगे, पर इसमें सुधारने की आवश्यकता है इस बात को मैं मान्य करता हूं और 1 महीने के अंदर इसके बारे में हम जरूर निर्णय करेंगे, क्योंकि ये केसेज जो है 1,74,327 और सम्मान्य सदस्य जिस राज्य से है हिमाचल प्रदेश वहाँ 6,518 केसेस पेंडिंग है। अब मुझे बताइए 4 लोकसभा का ये छोटा सा राज्य में 6,518 और हमारे कभी कभी हजार करोड़ राज्य सरकार में एक एक साल डिपॉजिट पड़े रहते पैसे, वो काला में बैच लेता है और बैंक वाले मेरे पास आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पैसे हमारे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए बोलो, तो ये पैसे हमारे पास है, पैसे देने के लिए हम तैयार है, वो लेने के लिए तैयार है, पर सिस्टम ऐसी बनी है कि इसमें हम कर नहीं पाते, तो कानूनी थोड़ा उसमें और सुधार करके निश्चित रूप से कोशिश करें। ऑनरेबल मेंबर सॉलिमेंट्री। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये जो मामले हैं, जैसे सबसे ज़्यादा मामले तो आपके गृह
राज्य से हैं 37,327 जी, और दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता जी, वो तो लिस्ट पढ़ ली सबने, आप तो प्रश्न पूछो। और पंजाब और हरियाणा भी है तीसरे नंबर पर। ये जो मामले हैं ये कब से लंबित हैं जी, और अभी मंत्री महोदय जी ने कहा कि इनका निपटारा हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, पर इसके लिए कितना समय लगेगा, क्योंकि हमारे वहां भू राजस्व के जो मामले होते हैं अगर दादा केस कर दे तो पोता भी लड़ता रहता है जी, एक कब तक इनका निपटारण होगा जी। मैं सम्माननीय स्पीकर महोदय एक बात स्पष्ट कर दूंगा, इससे वैसे डायरेक्ट हमारा कोई संबंध नहीं है। मामले जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो काला है, वो निर्णय करता है, फिर उसके निर्णय के ऊपर अपील होता है कमिश्नर लेवल पर, कमिश्नर जो होता है आपके स्टेट गवर्नमेंट का है सभी है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का कमिश्नर अपनी पावर डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को देता है। फिर मेरे पास इतनी तकरारें आई है कि वकील जो काम करने वाले हैं क्वेश्चन में वो और ये वहाँ मिलकर ऐसा निर्णय देते हैं कि अब मेरे पास ऐसी केसेस है, आखिर ये जनता का पैसा है, ऐसे ऐसे निर्णय आते कि जहाँ 1 करोड़ देना है वहाँ 10 करोड़ अवार्ड हो जाता है, फिर उधर से लोग तकरार करते हैं कि आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो। तो ये पूरा मामला जो होता है ये सिस्टम राज्य सरकार के अधीन है। मैं आप पूछ रहे इसलिए मैंने डिटेल में बताया, मैं उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी डालना नहीं चाहता या उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये उनका अधिकार है। मैं इतना ही कहता हूँ कि आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी नीड टू चेंज द प्रोसीजर ट्रांसपेरेंटली, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्वालिटेटिव एंड करप्शन फ्री। और ये सर प्रॉब्लम ऐसा है कि आई हैव टू कम टू यू, आई हैव टू चेंज द लॉ आफ्टर पासिंग द बिल, एंड बिफोर दैट द स्टेक होल्डर्स आर स्टेट गवर्नमेंट एक्ट इज देयर, आई कैनॉट टेक डिसीजन एज आई लाइक इट, आई नीड टू टेक द एडवाइस फ्रॉम द जुडिशियरी, फ्रॉम द हाई कोर्ट, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फ्रॉम द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड आफ्टर दैट आई नीड टू मेक दैट लॉ, एंड दैट इज टू बी ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। इट इज ऑलरेडी इन द कॉन्करेंट लिस्ट, द स्टेट लिस्ट वेयर स्टेट इज सपोज टू मेक द लॉ, द सेंट्रल लिस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सपोज टू मेक द लॉ, एंड द कॉन्करेंट लिस्ट द बोथ आर द स्टेक होल्डर्स, एंड दिस इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, एंड दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी नीड टू कंसर्न विद ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड फाइंड आउट द ऑप्शन ऑन इट। वी आर इन द प्रोसेस, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट दैट टू मेक इट एज अर्ली एज पॉसिबल टू मेक इट दिस लॉ फॉर द कंट्री। माननीय सदस्य।